सो हाय फ्रेंड, तो कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राइडर पर। सो फ्रेंड, आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस बाइक के ऊपर ही वीडियो है, हंटर 350 के ऊपर। क्या वीडियो? इंडिकेटर्स जो है वो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ। मॉडिफिकेशन मतलब वो मॉडिफिकेशन नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक मॉडिफिकेशन है, जैसे कि आप बोल सकते हो इंडिकेटर का जो फ्लाजर होता है वो मैं इंस्टॉल करने के लिए जा रहा हूँ। एंड इंस्टॉल करने के बाद कैसा लगता है सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। इंस्टॉलेशन के अभी जो प्रोसेस रहेगा वो भी थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा, कितना प्राइस पड़ता है जो इंडिकेटर फ्लाजर का वो उसका प्राइस भी आपको बाद में बता दूंगा वीडियो के एंड के पहले। एंड उसके साथ साथ जो स्विच उसके साथ इंस्टॉल होगा सो वो स्विच भी आपको दिखा दूंगा, उसका भी प्राइस क्या है सारी चीज़ आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। एंड हाँ, इसमें कबलर टू कबलर फिटिंग होगा, कोई भी वायरिंग वगैरह नहीं कट होगा। सो ये चीज़ भी ध्यान में रखना जरूर, नहीं तो भाई जो क्या बोलते हैं वारंटी वगैरह बाइक का कट हो सकता है। सो उसके वजह से कबलर टू कबलर ही मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। सो लेक्सी चलो चलते, आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ। वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। वीडियो अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना माई चैनल पर एस राइडर पर। सो चलो चलते। सो गाइस, बाइक का लुक कुछ ऐसा है अभी, आपको एक बार चारों तरफ दिखा दे रहा हूँ। एंड स्टॉक जो इंडिकेटर है वही है। सो हेजलम एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। हेजलम का स्विच देख सकते हो यहाँ पर दे रखा है। एंड इसको मैं अगर ऑन करूँगा तो आप देख सकते हो नॉर्मल जो हेजलम का जैसा काम है वही होता है। आपको डे मोड पे देखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत जस्टिस कर लेना। आप देख सकते हो दोनों एक साथ ब्लिंक हो रहा है। सो अगर मैं फ्लेजर इंस्टॉल करूँगा तो बहुत सारा पैटर्न में ये चीज़ देखने को मिलेगा। सो पीछे का भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। पीछे का भी देख सकते हो जो ब्लिंक कर रहा है, दोनों इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं प्लाजर इंस्टॉल करूँगा तो उसमें जितना सारा पैटर्न होगा, मतलब बहुत सारा पैटर्न है, पैटर्न के साथ साथ ये सारी चीज़ चेंज होगा। सो वो तो मैं इंस्टॉल करने के बाद ही आपको सारी चीज़ दिखा पाऊँगा। नाइट मूड में आपको दिखाऊँगा, काफ़ी अच्छा लगेगा नाइट मूड पर दिखने में। सो अभी डे पर आपको दिखा दे रहा हूँ कि स्टॉक में, मतलब स्टॉक वाला जो इंडिकेटर है कंपनी से जो दिया है हेजलम का ऑप्शन, उसमें कैसा चलता है वो एक बार आपको दिखा दिया हूँ। एंड इसके बाद देखते हैं कैसा होता है, मेरे को भी देखने का मतलब मन है। सो देखते हैं लेक्सी। एंड गाइस, यहाँ पर अभी हेजल लैम्प ऑन है। सो उसके बाद से एक बार आपको दिखा देता हूँ, ब्लर हो गया था। हाँ, हेजल लैम्प ऑन है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिकेटर का जो सिंबल है दोनों साइड पे जल रहा है। अगर जब फ्लाशर इंस्टॉल करूँगा तब थोड़ा अलग सा जलेगा। सो उसके वजह से मैं स्टॉक वाला जो इंडिकेटर का सिंबल है वो कैसे जलता है वो आपको एक बार दिखा दिया हूँ। अभी ऑफ कर दो। सो चलो चलते हैं, सीधा मैकेनिक के पास जाऊंगा। एंड कितना कॉस्ट पड़ता है सारी चीज़ आपको बता दूंगा वीडियो के थ्रू। सो वीडियो पूरा इन तक देखते रहना, इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो ऑब्वियसली लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। इस 350 के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर मेरे को बोल सकते हो। सो चलो बाय। A few moments later. So guys, अभी मैं शॉप पर आ गया हूँ। एंड जो फ्लाजर किट मैं खरीदा वो आप देख सकते हो। पीछे का भी व्यू एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, कुछ ऐसा दिखने लायक है, छोटा सा है, मॉक्सी कंपनी का है, आप देख सकते हो मॉक्सी कंपनी लिखा हुआ है इसके ऊपर। सो देखते हैं इंस्टॉल करने के बाद कैसा मतलब निकल के आता है। एंड जो स्विच मैं खरीदा हूँ वो भी आप गाइस देख सकते हो, यही स्विच खरीदा हूँ। इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, मतलब प्रीमियम क्वालिटी का स्विच है। काफ़ी कम प्राइस में भी मेरे को स्विच मिल रहा था, बट मैं सोचा कि थोड़ा बहुत अच्छा सा एक स्विच खरीदा जाए। सो उसके वजह से ये स्विच मैं खरीदा हूँ। आप देख सकते हो इसके साथ वायर कैसा दे रखा है, तीनों वायर दे रहा है। सो चलते हैं। अभी आप देख सकते हो गाइस, अभी जो मैकेनिक है वो हेडलैम्प को खोल रहा है। हेडलैम्प को खोलने के पहले ग्रिल को खोलना पड़ा क्योंकि ग्रिल इंस्टॉल होकर रखा था उसके वजह से। सो आप देख सकते हो अभी हेडलैम्प को पूरा बाहर निकाल देगा आई थिंक। सो हाँ, आप देख सकते हो हेडलैम्प को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो अभी कर रहा है। सो उसके बाद ही मतलब हेडलैम्प के अंदर ही जो फ्लाजर किट है, इंडिकेटर फ्लाजर किट, वो हेडलैम्प के अंदर ही रहेगा। सो आप देख सकते हो अभी हेडलैम्प पूरा निकल दिया है। एंड कैसा लग रहा है अभी चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर ही जो फ्लाजर किट है उसको इंस्टॉल करेगा, जो प्रोसेस है वो तो मतलब मैकेनिक नहीं करेगा, कि कैसा करता है वो भी आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। उसके पहले आप देख सकते हो स्विच को भी इंस्टॉल कर दे रहा है, हैंडल पर ही इंस्टॉल कर रहा हूँ। मतलब हैंडल का आप जहाँ मर्जी आप इंस्टॉल करा सकते हो, मैं उधर साइड पर इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप जैसे कि आप देख सकते हो हैंडल पे कैसा लग रहा है आप चेकआउट कर सकते हो। सो अभी इसको इंस्टॉल होने देते हैं सही से, उसके बाद कैसे फ्लाजर किट को इंस्टॉल करते हैं वो भी थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा। मैकेनिक से ही कराना भाई, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो उसके वजह से आपको बोल रहा हूँ, ऐसे अगर आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो फिर आप घर पर करा सकते हो, नहीं तो भाई मैं बोलूँगा तो मैकेनिक के पास से ही कराना सही रहेगा। यानी सारी चीज़ कबलर टू कबलर हो रहा है,
सो उसके वजह से ही मैं सोचा कि भाई हाँ मैकेनिक के पास ही कर लेता हूँ। एंड मैं पहले पूछ के गया था कि कबलट टू कबलट इंस्टॉल होगा कि नहीं, बोला था कि हाँ कबलट टू कबलट ही इंस्टॉल होगा। सो उसके वजह से ही कर रहा हूँ। आप देख सकते हो अभी जो फ्लाजर किट है उसको इंस्टॉल कर रहा है। एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हो जो दोनों वायर एक साथ जोड़ा है, ए सी जो एक्सटर्नल आप बोल सकते हो वायर जो था उसको कबलर के साथ कनेक्ट करके जोड़ा है, नहीं तो ऐसे कबलर टू कबलर ही सारी चीज़ फिटिंग हो रहा है। आप देख सकते हो अभी आपको इंडिकेटर भी एक बार ऑन करके दिखा दिया हूँ, मतलब टेस्ट करके वो देख रहा था कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। सो फाइनली गाइस अभी आप देख सकते हो अभी जो फ्लाजर किट है वो इंस्टॉल हो गया है। एंड अभी हेडलैम्प को भी सही से इंस्टॉल कर दे रहा है। देने के बाद देखते हैं कैसा निकल के आता है। सारी चीज़ आपको नाइट मोड पे दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छे से आपको पता चल जाएगा कैसा लग रहा है। एंड हैलोजिन बल्ब भी है इंडिकेटर में, कोई एलईडी वगैरह मैं बल्ब नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जो स्टॉक वाला इंडिकेटर है वही इंडिकेटर में फ्लाजर में इंस्टॉल किया हूँ। एंड वही इंडिकेटर में आपको दिखाऊंगा कि कैसा मतलब निकल के आ रहा है, जब फ्लाश होगा तब कैसा लगता है। सो देखते हैं अभी हेडलैम्प को अच्छे से इंस्टॉल करने देते, मतलब अच्छे से बैठाने देते, देन उसके बाद आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो इंडिकेटर भी एक बार जला के देख रहा है कि सही में मतलब सही जल रहा है कि नहीं। सो आप गाइस चेकआउट कर सकते हो, डे मोड पे आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया हूँ। सो चलते आपके साथ मिलता हूँ नाइट मोड पे। एंड पीछे पर भी आप देख सकते हो, आपको पीछे का भी लुक थोड़ा बहुत दिखा दिया। सो गाइस अभी आ गया हूँ थोड़ा अंधेरे का टाइम पे। सो आप चेकआउट कर सकते हो इंडिकेटर का जो फ्लाजर मैं इंस्टॉल किया था वो तो क्लिप सबको दिखा दिया हूँ। अभी इंडिकेटर का जो 16 टोटल पैटर्न है उसमें 16 जो पैटर्न है वो एक एक करके आपको दिखाऊंगा, नाइट में कैसा लगता है आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा। वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। सो चलो अभी स्टार्ट करते एक एक करके। सो गाइस अभी एक एक करके पैटर्न आपको दिखाने जा रहा हूँ। सो देखो एंड यहाँ पर स्विच इंस्टॉल किया है, एंड स्विच का कितना प्राइस है, उस चीज़ का कितना प्राइस है सारी चीज़ आपको बताऊंगा। सो देखो पहले 16 जो पैटर्न है वो आप देख लो, उसके बाद प्राइस के ऊपर बात करूँगा, काफ़ी चीपेस्ट प्राइस है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो स्विच का जो क्वालिटी है वो आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी प्रीमियम स्विच है। एंड इससे बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में स्विच था, बट मैं थोड़ा मतलब हाई क्वालिटी का स्विच इंस्टॉल किया हुआ। एंड इसमें लाइट भी जलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो मैं ऑन कर रहा हूँ, एंड देख सकते हो लाइट जल रहा है। सो चलते अभी एक एक करके दिखाता हूँ। स्विच थोड़ा बहुत आपको दिखा दिया हूँ, यहाँ पर इंस्टॉल किया हूँ, आप चाहो तो इधर साइड पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जब मैं हेजल लैम्प ऑन कर रहा हूँ, जो मतलब आपको बाहर में दिखने को मिलेगा सेम वैसा ही यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर का जो इंडिकेशन है वो यहाँ पर वैसा ही आपको दिखने को मिलेगा। सो ये चीज़ भी आपको एक बार दिखा दिया हूँ। सो चलते अभी एक एक करके बाहर से आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। गाइस अभी एक एक करके स्टार्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर आप देखो इंडिकेटर, एंड हैलोजिन बल्ब वाला इंडिकेटर है, एलईडी बल्ब वाला नहीं है। इसमें एलईडी बल्ब वगैरह कुछ भी नहीं इंस्टॉल किया हूँ, सिर्फ जो स्टॉक वाला आता है कंपनी से वही इंडिकेटर है। सो उसमें कैसा लग रहा है आप चेक कर लो। पहले गाइस आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट करो, एक नंबर है, कैसा लग रहा है आप चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद ये नंबर दो है, दो नंबर पैटर्न चल रहा है। गाइस अभी नंबर थ्री आपको दिखाने जा रहा हूँ, चेकआउट कर सकते हो। ये नंबर थ्री है, ये मतलब हर मतलब बहुत सारा इसमें आपको पैटर्न एक बार में आपको दिखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड इसके बाद अभी देखते हैं नंबर फोर में क्या है। आप देख सकते हो नंबर फोर में सिर्फ ऐसा जल रहा है, हेजल लैम्प की तरह स्लो जल रहा है। देन उसके बाद थोड़ा फास्ट जल रहा है, हेजल लैम्प के जैसा। देन उसके बाद आप देख सकते हो और भी फास्ट, मतलब और थोड़ा फास्ट हो गया है फ्लाजर की तरह। देन उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये थोड़ा अलग सा है, इधर उधर हो रहा है इंडिकेटर। सो गाइस लगभग आपको 7 पैटर्न दिखा दिया हो, अभी 8 नंबर पैटर्न आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो ये नंबर 8 पैटर्न है। एंड इसके बाद है आप देख सकते हो मतलब फ्लाजर हो रहा है पूरा दोनों तरफ। देन उसके बाद देख सकते हो एक बार इधर फ्लाजर हो रहा है, एक बार उधर फ्लाजर हो रहा है। सो उसके बाद आई थिंक ये 10 नंबर होगा। सो 10 नंबर आप देख सकते हो, 10 नंबर पे ऐसा हो रहा है। गाइस अभी नंबर 11 नंबर का पैटर्न आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो, ये ऐसा है। देन उसके बाद देख सकते हो मतलब थोड़ा अलग अलग सा हो रहा है, चेकआउट कर सकते हो। देन ये नंबर 12 नंबर का पैटर्न आप देख सकते हो। देन उसके बाद ये 13 नंबर पैटर्न चल रहा है। देन उसके बाद ये 14 नंबर का पैटर्न चल रहा है। देन उसके बाद ये 15 नंबर का पैटर्न चल रहा है।
देन इसके बाद आप देख सकते हो ये लास्ट पैटर्न है, इधर उधर हो रहा है। लगभग आप बोल सकते हो टोटल 16 पैटर्न इसमें आपको देखने को मिल जाता है। आपको दिखा दिया हुआ अभी, ये लो मतलब पैटर्न है, आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत जल रहा है। सो गाइस लगभग आपको 16 पैटर्न आपको दिखाया हूँ, इसमें 16 ही पैटर्न है बोल रहा था। अभी आपको थोड़ा बहुत पीछे का जो इंडिकेटर है उसका भी पैटर्न एक बार दिखा देता हूँ, जितना हो सके आप देख लो, एक एक करके आपको दिखाता हूँ। एक नंबर है, इसमें बहुत सारा है पैटर्न। देन उसके बाद आप देख सकते हो, देन उसके बाद और एक देख सकते हो, देन उसके बाद और एक एंड ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ये देख सकते हो ये पूरा प्लाजर हो रहा है, मतलब प्लाजर हो रहा है पूरा। एंड ये भी आप चेकआउट कर सकते हो, ये इधर उधर हो रहा है प्लाजर करके। एंड देन उसके बाद ये और एक, देन उसके बाद और एक, देन उसके बाद और एक। सो गाइस और एक आप देख सकते हो, एंड इसके बाद प्लाजर हो रहा है। देन उसके बाद थोड़ा सा करके जो होता है वो। सो बस मतलब जितना हो सके आपको दिखा दिया हो, और ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा बोरिंग हो जाएगा। सो गाइस लगभग सारे चीज़ आपको मतलब जो इंडिकेटर प्लाजर कैसा कर रहा है वो तो आपको दिखा दिया हो। हैलोजिन बल्ब में ऐसा जल रहा है, अगर LED होगा तो और भी अच्छा लगेगा, बट मेरे को हैलोजिन में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई थिंक कैमरा में उतना जस्टिस नहीं भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। एंड जो प्राइस पड़ा है वो आपको बता देता हूँ। जो प्लाजर मैं खरीदा हूँ वो जो किट है प्लाजर का, उसका प्राइस पड़ा था टोटल आप बोल सकते हो 400 रुपीज़। हाँ उसका प्राइस पड़ा था 400 रुपीज़। एंड ये जो स्विच आप देख रहे हो इसमें लाइट जलता है, काफ़ी प्रीमियम स्विच है। एक स्विच देखा था उसका प्राइस था 60 रुपीज़, इसका जो प्राइस है ये काफ़ी ज़्यादा है। आप बोल सकते हो 250 रुपीज़ मेरे से लिया है। एंड 250 एंड 400 लगभग आप बोल सकते हो 650 रुपीज़ में सारा काम डन हो गया है। एंड इंस्टॉलेशन चार्ज जो था वो इंक्लूडेड नहीं था, मतलब उसके साथ ही मतलब 650 रुपीज़ में ही सारे चीज़ कर दिया है, इंस्टॉलेशन वगैरह। इंस्टॉलेशन का अलग से कोई चार्जेस नहीं देना पड़ा। सो ये जो दोनों चीज़ का प्राइस है वही मेरे को देना पड़ा, आपको बता दिया हूँ। एंड कैसा लगा ये प्लाजर कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना माई चैनल पर इस राइडर पर। सो चलते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया वीडियो लेकर आपके साथ, बाय। एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये प्लाजर वाला जो किट मैं इंस्टॉल किया हूँ। एंड ये ऑनलाइन पे भी है, थोड़ा बहुत प्राइस ज़्यादा है, 400 से 500 तक इसका प्राइस है। ऑनलाइन में मैं देख रहा था 500 के आसपास था। एंड बस चलते, कुछ इस 100-350 के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं सारे वीडियो लाऊंगा। सो बाय, हैप्पी गुड डे गाइस, बाय। तो गाइस अभी लास्ट में आपको थोड़ा बहुत एक बार चला के दिखा देता हूँ, मतलब जो प्लाजर है वो ऑन करने के टाइम कैसा लग रहा है। अब एक बार थोड़ा चलाते के टाइम देख लो कैसा लग रहा है। सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं।